मैं आपके चैनल के माध्यम से भोपाल की जनता को बताना चाहूँगा कि किसी भी तरीके की अगर अग्नि दुर्घटना होती है या कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है, हमारी टीम की कहीं आवश्यकता आपको पड़ती है, तो आप दिए गए इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर 24 घंटे एक्टिव रहते हैं, 24 घंटे चालू रहते हैं, हमारे ऑपरेटर इन पर 24 घंटे मौजूद रहते हैं। कहीं भी किसी तरह की कोई फायर एक्सीडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट होता है या रेस्क्यू की कहीं आवश्यकता पड़ती है, तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, आपको तुरंत सहायता पहुँचाई जाएगी। और निवेदन ये रहेगा कि जब भी आप कॉल करें तो हमारे ऑपरेटर को पूरा एड्रेस बताएं, पूरी लोकेशन उनको क्लियर करें, जिससे कि गाड़ी पहुंचने में वहाँ समय ना लगे और हमारा जो टीम है वो वहाँ पर मौके पे जल्द से जल्द पहुँच के आपकी मदद कर सके। धन्यवाद। राजधानी भोपाल के फतेहगढ़ स्थित नगर निगम फायर स्टेशन पर किस तरह होता है काम, कैसे उन्हें सूचना मिलती है, किस तरह की प्रतिक्रिया रहती है उन फायर ऑफिसर की जो एक पल भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों की जान बचाने आग में कूद जाते हैं, यही सब जानने के लिए आज KKR की टीम पहुंची फतेहगढ़ स्थित फायर स्टेशन पर और जाना किस तरह से यहां के लोगों की जान बचाने का कार्य किया जाता है। आइए देखते हैं विशेष खबर भोपाल से संवाददाता आदिल खान के साथ। इस वक्त मौजूद हैं राजधानी स्थित भोपाल के फतेहगढ़ फायर स्टेशन पे, जहां पर फायर ऑफिसर जो है अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाते हैं, अपनी जान की परवाह न करते हुए आग में लोगों की जान बचाने के लिए कूद जाते हैं। तो हम यहाँ के बारे में जानते हैं किस तरह यहाँ पे काम होता है, किस तरह फायर ऑफिसर यहाँ से निकलते हैं, कहीं पे कोई भी आपदा आती है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के इंचार्ज शक्ति तिवारी जी। शक्ति तिवारी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल KKR News। थैंक यू। शक्ति जी, किस तरह है यहाँ पे काम होता है, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। ये फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम जहाँ पर अभी आप खड़े हैं, ये 24 घंटे संचालित रहता है। इसी तरीके से हमारे 11 फायर स्टेशन हैं अलग अलग जगहों पे, जो कि 24 घंटे संचालित रहते हैं। हमारा फायर कंट्रोल रूम है, हमारी टीम है पूरी बैठी होती है, ये हमारी पूरी टीम है। 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी पे हमारे कर्मी तैनात रहते हैं। फायर कॉल आता है या कोई भी इमरजेंसी कॉल आते हैं तो उसके लिए तैनात रहते हैं, जिससे कि जब सूचना हमारे पास आती है तो हमारी गाड़ी यहाँ से टर्न आउट होती है और मौके पर पहुंचकर जो भी बचाव कार्य आग बुझाने का काम है वो करती है। तो ये हमारा कंट्रोल रूम है अंदर, यहाँ पे किस तरह आता है ये सिस्टम यहाँ पर बने हुए हैं पूरे। इस सिस्टमों पे कॉल आते हैं, कॉल यहाँ से अटेंड होते हैं, हमारे ऑपरेटर यहाँ कॉल अटेंड करते हैं। कॉल अटेंड करने के बाद हम यहाँ से गाड़ी रवाना करते हैं, जैसे कहीं की शिकायत आई है वहाँ पर गाड़ी रवाना करते हैं। इसी के साथ जो हमारे 11 फायर स्टेशन बने हुए हैं वहाँ पर ये पोजीशन देखी जाती है कि आग कहाँ पर लगी है या दुर्घटना कहाँ पर हुई है, तो वहाँ से जो नियर बाय फायर स्टेशन पड़ता है वहाँ से टीम रवाना की जाती है रेस्क्यू कार्य के लिए। हम मान के चलें कि भोपाल का मेन हेड ऑफिस जो है फायर स्टेशन का, यही जी फतेहगढ़ फायर कंट्रोल रूम, फायर कंट्रोल यहीं से सारे फायर कंट्रोल को ऑफिस जी है। जी, उनको किस तरह यहाँ से निर्देश दिए जाते हैं या कंट्रोल किए? निर्देश ऐसे दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर बैरागढ़ में या पुराने भोपाल में, सिटी में, नए भोपाल में, जहाँ भी कहीं ऐसी अगर सूचना आती है तो ये देखा जाता है लोकेशन की कौन सा फायर स्टेशन वहाँ से नज़दीक पड़ेगा। जैसे मान लीजिए लालघाटी में या लालघाटी के आगे कहीं आग लगी है तो बैरागढ़ नियर बाय पड़ेगा, तो हम बैरागढ़ को हमारे ऑपरेटर यहाँ से पूरा एड्रेस लेके उनसे बैरागढ़ को सूचना देते हैं, वो बैरागढ़ फायर स्टेशन फिर वहाँ मौके के लिए गाड़ी रवाना करता है। तो कई बार दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता होगा आपके फायर ऑफिसरों, किस तरह की परेशानियाँ सामने ज़्यादातर आती हैं? दिक्कत तो आती है, जैसे कि मेन दिक्कत हो जाती है ट्रैफिक की हो जाती है, क्योंकि यहाँ कॉल आता है, कॉल आने के बाद जब गाड़ी वहाँ पहुँचती है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी सी हमें क्लियर नहीं मिल पाती है कई जगह। दूसरी चीज़, कई बार एड्रेस भी जो हमें कॉल करते हैं लोग, वो भी एड्रेस कभी कभी हमें गलत बता देते हैं, तो उसमें भी हमें दिक्कत हो जाती है। शायद यही वजह रहती है जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लेट थोड़ा सा। हाँ, बाकी यहाँ से तो इमीडिएट एक्शन होता है, जैसे ही कॉल आता है वैसे ही कॉल पे कार्रवाई की जाती है और गाड़ी रवाना की जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ होने के कारण आग में पहुँचने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर हम बात करेंगे फायर के साथ साथ अगर कहीं कोई आपदा होती है, कोई अगर बिल्डिंग गिर जाती है, क्या उसमें किस तरह का सहयोग? जी हाँ, उसमें भी हमारी टीम जाती है, जैसे कहीं आग बुझाने के साथ साथ हमारा पूरा रेस्क्यू का भी काम रहता है। जैसे कहीं बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, कहीं बाढ़ आ गई, या कहीं कोई रेस्क्यू करना है, मैं कहीं कोई लिफ्ट में फंसा हुआ है, किसी बिल्डिंग में कोई फंसा हुआ है, ऐसी जगहों पर अगर मैं रेस्क्यू करना है तो उसके लिए हमारी टीम वर्क करती है। चलिए एक बार हम आपको फिर दिखाते हैं बाहर किस तरह फायर ऑफिसर सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं और किस तरह अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये लोग सारे फायर ऑफिसर्स यहाँ पे अभी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों की जान बचाने के लिए आग में या कोई भी बाढ़ की आपदा हो
या कहीं बिल्डिंग या मकान ढह जाता है उसमें भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों की जान बचाते हैं। तो ये हैं हमारे भोपाल के जाबाज, नगर निगम के जाबाज। और इसमें अगर हम बात करें कुछ गोताखोर भी रहते हैं जो अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाते हैं, तो इन जाबाजों को KKR न्यूज़ की टीम सलाम करती है, सल्यूट करती है। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं आदिल खान, KKR न्यूज़ भोपाल।